तो संजू सैमसन को भले ही आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए भारतीय टीम में नहीं चुना गया, लेकिन अब संजू सैमसन के फैंस के लिए गुड न्यूज निकलकर सामने आ रही है, जहां बीसीसीआई ने संजू सैमसन को भारत का कप्तान बना दिया है। जी हां, वनडे टीम की कप्तानी दे दी है संजू सैमसन को, जो कि इंडिया ए की तरफ से कप्तानी करने वाले संजू सैमसन, जहाँ न्यूजीलैंड ए के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली जानी है, जिसमें कप्तानी संजू सैमसन करेंगे। इसके अलावा टीम में उमरान मलिक, कुलदीप यादव, ऋतुराज गायकवाड़, पृथ्वी शाह, राहुल त्रिपाठी, नवदीप सैनी समेत कई शानदार जबरदस्त युवा खिलाड़ियों को भारतीय टीम में शामिल किया गया है न्यूजीलैंड ए के खिलाफ होने वाली 3 वनडे मैचों की सीरीज के लिए, जहां संजू सैमसन और इनके फैंस काफी निराश थे कि T20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए जबरदस्त युवा विकेट कीपर बैट्समैन संजू सैमसन को टीम में शामिल नहीं किया गया। लेकिन अब यह खबर उनके लिए राहत का काम कर सकती है कि संजू सैमसन को इंडिया ए की कप्तानी दे दी है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इंडिया ए का टीम स्क्वाड, उसके बाद शेड्यूल आपको बताते हैं। तो 3 वनडे मैचों की सीरीज के लिए न्यूजीलैंड ए के खिलाफ भारतीय टीम का स्क्वाड कुछ इस तरह से है। पृथ्वी शाह, अभिमन्यु ईश्वरन, ऋतुराज गायकवाड़, राहुल त्रिपाठी, रजत पाटीदार, संजू सैमसन कप्तान, केएस भरत विकेट कीपर बैट्समैन, कुलदीप यादव, शहबाज अहमद, राहुल चेहर, तिलक वर्मा, कुलदीप सेन, शार्दुल ठाकुर, उमरान मलिक, नवदीप सैनी, राज अंकंडबावा। 13 इंडिया ए का टीम स्क्वाड, जहां इंडिया ए वर्सेज न्यूजीलैंड ए के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज चेन्नई के चिदंबरम स्टेडियम में खेले जाएंगे 3 के 3 ही मुकाबले, जिसका पहला ओडीआई मुकाबला 22 सितंबर 2022 थर्सडे को खेला जाएगा, दूसरा ओडीआई मुकाबला 25 सितंबर 2022 संडे को खेला जाएगा और तीसरा ओडीआई मुकाबला इंडिया ए वर्सेस न्यूजीलैंड ए के बीच 27 सितंबर 2022 ट्यूसडे को खेला जाएगा, जहां ये 3 के 3 ही वनडे मैच भारतीय समय अनुसार 10 बजे से यानी कि 10 AM से स्टार्ट होने वाले हैं। तो इसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें।